अगर आप भी मध्य प्रदेश में हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे साथ ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ का रास्ता हम देखते हैं, ये पूरा हिली एरिया में है, मतलब पहाड़ी एरिया में है, तो हमें पहाड़ों का सामना करते हुए जाना पड़ता है और यहाँ पर कई खाई भी देखने को मिलती है। फिर हम यहाँ कुछ रास्ते में पहुँचते हैं तो यहाँ पर 50 किलोमीटर की दूरी पर हमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम रेस्ट करते हैं, कुछ बेवरेजेस यूज करते हैं, लेते हैं और रेस्ट भी करते हैं। वॉशरूम भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको भूख लगी तो आप ले भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ समय के लिए यहाँ पर रेस्ट किया। फिर हमने यहाँ पर कुछ, क्योंकि गर्मी का समय था तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम वगैरह ली, तो यहाँ पर हमने ट्राई किया। फिर हम निकल जाते हैं लास्ट यहाँ पर डायरेक्ट ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो हम ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए पहुंच चुके हैं, तो हम ये आ चुके हैं। तो ये आपको घाट के साथ साथ यहाँ पर मैन गेट भी देखने को मिलता है। अब हम मैन गेट के अंदर एंटर होते हैं, तो मैन गेट के अंदर जैसे कि हर जगह पर, हर तीर्थ स्थल पर दुकानें होती हैं, तो हमें भी यहाँ पर दुकानें देखने को मिलती हैं। फिर हमें यहाँ पर सीधे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य प्रवेश द्वार पर हम यहाँ प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पर हमें झूला पुल देखने को मिलता है, तो इस पुल के से क्रॉस करके हम जाते हैं, तो यहाँ पर हम नर्मदा नदी के दर्शन हो जाते हैं। तो हमारा मन तो बहुत ही प्रफुल्लित हो गया, मतलब बहुत खुशी मिली कि हमें यहाँ नर्मदा जी के दर्शन हो गए। तो हम अपनी खुशी को लेते हुए हम सीधे पहुंचने वाले हैं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी लंबी लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर हम फिर भी, अब लाइन तो लगी हुई है तो हमें थोड़ा धीरे से चलना होगा। फिर हम यहाँ पर अपने स्लीपर्स और प्रसाद ले लेते हैं, स्लीपर्स को हम रख देते हैं और प्रसाद को लेके चले जाते हैं। यहाँ पर हम दर्शन करते हुए, नर्मदा जी के नजारे देखते हुए, लंबी लाइन का हम सामना करते हुए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ ज्योतिर्लिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कई भक्तगण इंतजार कर रहे हैं शिव जी के दर्शन के लिए। तो इस तरह से हमने भी कई समय, कम लंबे समय तक वेट किया। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर वीआईपी एंट्री भी अवेलेबल है, लेकिन वीआईपी एंट्री हमने नहीं ली थी, हम डायरेक्ट यहाँ पर पब्लिक के साथ ही गए थे। लेकिन वीआईपी एंट्री में अंतर सिर्फ इतना होगा कि आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आप विदाउट वीआईपी एंट्री जाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ है। देख सकते हैं बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स के सर पर बैठे हैं और पसीने से लथपथ हो रहे हैं, तो भीड़ है, मतलब गर्मी है। तो गर्मी में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा तैयारी से जाएं, पानी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर लंबी लाइन में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो किसी को चक्कर भी आने लगते हैं। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें, अगर आप गर्मी के समय में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने चाहते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। फिर हम सीधे पहुंच जाते हैं गर्भगृह की ओर। तो गर्भगृह में पहुंचते हैं तो हमें सुकून मिलता है कि अब फाइनली हमें 4 घंटे बाद दर्शन मिलने वाले हैं, शिव जी के दर्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कई लाइन देखने को मिलती है, भक्तगण ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं दर्शन मात्र के लिए। तो हम यहाँ पर सीधे पहुंच जाते हैं गर्भ गृह का, यहाँ पर आपको गेट देखने को मिलता है। तो हम सीधे गर्भ गेट के अंदर भी काफी भीड़ देखने को मिलती है, लोग अपने बच्चों को सर पर बिठा ले हैं, तो कोई टोकरी को रखा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही पुरानी मूर्तियां देखने को मिलती है, जो दीवारें हैं बहुत ही मोटी है। तो एक तरह से बोल सकते कि जो ओमकालेश्वर मंदिर है ये पूरी तरह से पुरातत्व का बना हुआ है। यहाँ पर कई हमें ऐतिहासिक कहानियां भी देखने को मिलेगी, तो ऐतिहासिक कहानी के लिए तो हमें बहुत अंदर ही देखना पड़ेगा, बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा उसे समझने के लिए, उस कहानी को देखने के लिए। तो अब हम यहाँ पर घंटे को बजाते हुए शिव जी को प्रसन्न करते हैं और यहाँ पर हम फाइनली सीधे पहुंचने वाले हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। अब वो घड़ी आ ही गई है कि हम यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। तो लेकिन वहां लिखा था कि आपको अलाउ नहीं है फोटो वीडियो, तो हमने बंद कर लिया। फिर डायरेक्ट हम दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो हम यहाँ पर नर्मदा जी पर आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करते समय हमने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगता है। ये शुद्ध पवित्र जो हमारा जल है या फिर शुद्ध है, बहुत ही प्योर है और ठंडक, इतनी ठंडक मिलती है ना इसके नहाने के बाद। तो हमने मस्ती भी की, बहुत सारी मस्ती की, और यहाँ पर हमने स्नान भी किया, हमने बच्चों के साथ भी मस्ती की। अगर आप भी आना चाहते हैं ना ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, अगर उज्जैन आए हैं तो ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाए, क्योंकि ओमकालेश्वर और ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन है, महाकालेश्वर ओमकालेश्वर दोनों ही पास पास है। अगर